खबर यह है कि सखर और लाड़काना डिवीज़न में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास आज सखर में होगा। इजलास में कच्चे के डाकू के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN रशीद रजा से। रशीद, आगाह कीजिएगा। जी, सखर और लाड़काना डिवीजन में अमनो अमान की खराब होती हुई सूरत हाल और उसके बाद जो डाकुओं की और जो कंकोड घोट की पुल बनना है, तमाम मामलों पर आज सदर आसिफ अली जरदारी ने खुसूसी तौर पर एक्शन लिया था और आज उनकी सदारत में सखर में एक आला सतही इजलास यहाँ पर मुनाकिद किया गया है। आज दोपहर तक सदर आसिफ अली जरदारी सखर पहुंच जाएंगे। उनके हमरा वजीर आला सिंध हैं और जो IG हैं और जिसे दीगर आला अफसरान हैं वो सखर पहुंच चुके हैं, जो इस इजलास में शिरकत करेंगे। सखर और लाड़गन डिवीजन के दोनों जो MNA MPL हैं और पार्टी के जो सदूर और जनरल सेक्रेटरी हैं उनको भी यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। दूसरी जानब जो सखर बराज का दरवाजा टूटा था उसके हवाले से उनको ब्रीफिंग दी जाएगी, सखर अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी और यहाँ पर जो है एक आला सतह जो रशीद रजा तफसील नगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।